ये देखो बेटे जरा आप प्लीज, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। मैं आपसे कह रहा हूँ इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर में हैं, पूरी एक्सरसाइज में हैं। तो आप सब बच्चे देखिए कि मुझे यहाँ पे क्या मिला है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। आपसे कह रहा मिसिंग टर्म बताओ। मैं आपसे कह रहा हूँ ए निकालो, डी निकालो, मिसिंग टर्म निकालो। और अगर ए और डी आ जाएगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगेन फॉर्मेट वही रहेगा बेटे कि हमारे पास है क्या और क्या हमें चाहिए। तो मैं अगर आपसे कहूं 13 का नाम क्या है, कोई बच्चा बताएगा? A2। वेरी गुड, शाबाश, A2। अब हम इसे वन लाइनर ही करने की कोशिश करेंगे। सब बच्चे ध्यान से देखो, A2 मैं यहीं पे लिख रहा हूँ बेटे। क्या मैं A2 को A+D लिख सकता हूँ? जी सर। Yes, sir. सब बच्चे हम वहीं पे कर रहे हैं खत्म। उससे ज्यादा लिखना नहीं चाहते हम, क्योंकि 1 or 2 marks से ज्यादा ये क्वेश्चन आएगा नहीं, तो 1 or 2 lines से ज्यादा हम लिखना नहीं चाहते। तो A2 is equals to A+D is equals to 13। जी आफ्ताब भाई। हेलो, सलाम अलैकुम जी। अभी चेक करवाएंगे आफ्ताब भाई। मैं अच्छा, मैं क्लास ले रहा हूँ, असल में बीच बीच में लिंक ना मिस हो जाता है। जी बेटे A2 A+D ले लेंगे। वेरी गुड शाबाश। 3 जो बेटे वो है वो A4 है। तो 3 अगर A4 है तो क्या मैं A+3D लिख दूं? शाबाश। तो आपकी सारे हो जाएगा। यस, तो आपकी डायरेक्ट इक्वेशन आ रही है। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन माशाल्लाह आप पढ़ चुके हो, ठीक है, A+D और A+3D। अगर हम डायरेक्ट इनको सबट्रैक्ट कर दें ना बेटे, तो सबट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस माइनस, A कैंसिल हो जाएगा, D-3D क्या होता है? और 13-3 क्या होता है? 10। तो D 2 से कैंसिल करो तो 2 5 जा 10, माइनस का 5 आएगा। यस और नो? अगर डी माइनस 5 आएगा, इसको 1 में रख दूं, मैं 1 में रख दूं, तो आपके पास क्या है बेटे? A-5 इज इक्वल्स टू 13। तो 13+5 18 आई। अब आप खुद सोचो बेटे, मिसिंग टर्म कौन कौन सी थी? मिसिंग टर्म एक तो फर्स्ट टर्म थी, तो क्या फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया? यस सर। और एक हमारे पास कौन सा टर्म मिसिंग है? A3 क्या होता है? A+2D। तो A कितना है बेटे? 18, ठीक है। और D कितना है? -5। 2 5 जा 10, -10 8। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो सब बच्चे एक क्वेश्चन करो, शाबाश। आप अगर अपने हाथ से कर लोगे तो उम्मीद ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। सब बच्चे कोशिश करो। पहले एक बिल्कुल सेकंड वाला क्वेश्चन ही दे रहा हूं मैं, बहुत इजी सा। सब बच्चे माशाल्लाह से कोशिश करेंगे। वेरी गुड, डरेगा कोई नहीं, स्टार्ट करेगा, कहीं पे भी लगे नहीं हुआ सर पूछिए। 2 इक्वेशन बनाइए बहुत जल्दी से, शाबाश, फटाक से इक्वेशन बनाओ।